Good morning, students. How are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing great. Today we will read our chapter number 7, Air Around Us. Air Around Us. हवा हमारे चारों तरफ. Properties of air. Air की properties पढ़ेंगे. I have no taste. मेरा कोई taste नहीं है. I have no smell. मेरी कोई स्मेल नहीं है, गंध नहीं है. आप मुझे सूंघ नहीं सकते. कौन कह रही है? एयर कह रही है. एयर का है कि एयर की कोई स्मेल नहीं होती, आप एयर को स्मेल नहीं कर सकते. आई हैव वेट. आई एक्यूपाई स्पेस. मेरे अंदर वेट है, वजन है, और मैं जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसे भर देती हूँ. हवा क्या करती है? हवा के अंदर वजन होता है, वो जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है. आप ग्लास देखेंगे, ग्लास हमें दिखती खाली है, पर उसके अंदर एयर होती है. आई कैन नॉट बी सीन. मैं दिखाई देती नहीं हूँ. आई कैन नॉट हैव एनी शेप. मेरा कोई आकार नहीं है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है, बट वी कैन नॉट सी इट. पर हम उसको देख नहीं सकते. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये क्या है? मिक्सचर है. किसका? गैसों का. अलग अलग तरह की गैसों से मिलकर बनी हुई है एयर. इट इज़ ऑल अराउंड द अर्थ. यह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है. लिविंग थिंग्स कैनॉट लिव विदाउट एयर. जो लिविंग थिंग्स है वो बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते. द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स. पोर्स देखो, ये देखो पोर्स है, लीव है ये. इसके अंदर ये ऐसे रहते हैं पोर्स, हमें दिखते नहीं हैं, बट ये अंदर होते हैं. इनसे क्या करते हैं? लीव इनसे ब्रीथ करती है. लीव इनसे ब्रीथ करती है. द फिश ब्रीथ्स एयर थ्रू गिल्स ऑन इट्स बॉडी. ये है देखो, ये गिल्स है. इनसे क्या होता है? फिश ब्रीथ करती है. लीव्स ब्रीथ करते हैं पोर्स से, और ये करते हैं गिल्स से. द ह्यूमन बींग्स breathe in the air, in air through their nose. हम लोग किससे breathe करते हैं? हमारी nose से. nose से breathe करते हैं. other uses of air. air के दूसरे use. air is used for to fill up many things. एयर किस लिए यूज़ होती है? फिल द मैनी थिंग्स. मैनी थिंग्स क्या? टायर ट्यूब, बैलून, राफ्ट. राफ्टिंग करते ना, वही स्विमिंग ट्यूब है ना. इन सब में क्या ज़रूरत होती है? एयर की होती है. ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना. एयर इज़ नीडेड फॉर बलून, टायर ट्यूब. एयर इज़ ऑल्सो नीडेड टू बर्निंग कैंडल. कैंडल जब बर्न करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है. जब आग जलने के लिए भी हमें एयर की नीड होती है. टू फाइंड दिस आउट लेट अस टेक अ कैंडल. एक कैंडल लेंगे. टेल एन अडल्ट टू लाइट इट. किसी बड़े को बोलना है उसको जलाने के लिए. एक कैंडल लेनी है घर में, किसी बड़े को बोलना है उसको जलाने के लिए. नाउ कवर इट विथ अ ग्लास. उसको क्या करना है? कवर करना है ग्लास के साथ. किसके साथ कवर करना है? ग्लास के साथ. वेन वी कवर द कैंडल विथ द ग्लास इट स्टॉप्स गेटिंग एयर. और वो जब हम कवर कर देंगे तो क्या होगा? एयर आनी बंद हो जाएगी उसके अंदर. और जब एयर नहीं आएगी तो वो बुझ जाएगी. देखो, वेन वी कवर द कैंडल विथ द ग्लास इट स्टॉप गेटिंग एयर. दैट इज़ वाई द कैंडल फ्लेम्स गेट गोज ऑफ एंड स्टॉप बर्निंग. वो क्या हो जाएगा? उसकी जो हवा बंद हो जाएगी और वो जलना बंद होकर बुझ जाएगी. अ कैंडल ब्लोज गेट व्हेन कवर्ड विथ अ ग्लास. ये देखो, ये जब कवर कर दिया ना तो कैंडल बुझ गई. कैंडल क्या हो गया? बुझ गई. एयर इज यूज टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ फ्लूट. फ्लूट बजाने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए. अ सेल बोट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर. सेल बोट भी कैसे मूव करती है? हवा से, एयर से. ये सेल बोट है,
ये देखो हवा से ये मूव कर रही है ना. द एयर इज़ यूज टू ड्राई क्लोथ्स एंड हेयर्स. बाल सुखाने के लिए हवा चाहिए, हमारे कपड़े सुखाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए. तो एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस ना. देखो ये क्या कर रहा है, एक बकेट में पानी लिया है, पानी के अंदर अपन खाली बॉटल डालेंगे तो बबल्स निकल रहे हैं. देखो ये बबल्स हैं, निकल रहे हैं. ये बबल्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये बबल्स एयर के हैं. क्या है ये, एयर्स के बबल्स हैं. इवन एन एम्प्टी बॉटल कंटेन्स एयर. टू फाइंड दिस आउट टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर. नाउ डिप द एम्प्टी बॉटल इन इट. व्हाट डू यू नोटिस, बबल्स ऑफ एयर कम आउट ऑफ द बॉटल. इट्स दिस शोज दैट इवन एम्प्टी बॉटल हैज़ सम एयर इनसाइड इट. यानी जो ये खाली बॉटल थी उसके अंदर भी क्या थी, हवा थी, जो बबल्स के रूप में क्या हो रही है, बाहर निकल रही है. आप घर में ये ट्राई करना, अभी आप लोग घर पे ही हो ना, वैसे भी एक बाल्टी भर के पानी लेना और एक बॉटल जो खाली खुली पड़ी है ना, कोई भी बॉटल खोल के रखना उसको 2 मिनट, और उसको जब आप डालोगे ना उल्टी करके, सडनली उल्टा करके उसको अंदर डाल देना उसमें पानी में, तो वो क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे आप देखोगे. और आपको ये जो सारा एयर वाला चैप्टर है ये एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.